मथुरा में सीएम योगी का साधु संतों ने किया स्वागत, रामलीला ग्राउंड में कहा ब्रिज के विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, जो लोग मंदिर आने से कतराते थे वो आज कहते हैं राम हमारे हैं कृष्ण हमारे हैं, पहले की सरकारों को बस था सांप्रदायिकता का भय। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का सीएम योगी पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी के लोगों को कृष्ण और राम में आस्था रखते हैं जबकि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करती है। मथुरा में श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रंगे दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, साधु संतों से भी की मुलाकात। यूपी के लखनऊ की पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। यूपी के मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली, शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल, कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए भक्त। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई, लिखा आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के भोपाल में खास कार्यक्रम, इस दौरान सीएम शिवराज ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। श्रीनगर के लाल चौक पर 32 साल बाद निकली जन्माष्टमी की रंगारंग झांकी, इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के लखनऊ के इस्कॉन मंदिर पर लोगों का तांता लगा, कृष्ण भक्ति में पूरी तरह सराबोर नजर आए श्रद्धालु। यूपी के कानपुर में जन्माष्टमी पर्व पर राधा माधव मंदिर में जुटे श्रद्धालु, इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण भक्तों में उत्साह। राजस्थान के प्रतापगढ़ के केशव राय मंदिर में कोरोना के चलते भक्तों को प्रवेश नहीं, लेकिन भगवान का श्रृंगार और पूजा हर साल की तरह विधि विधान से की जा रही है। कानपुर में चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम, लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की तैयारी में कान्हा का खास श्रृंगार किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आरोप, कहा पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को भड़का रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में तीन बड़े फैसले, मांगे पूरी करने के लिए सरकार को दिया 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर बीजेपी का आंदोलन, मुंबई में कई बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज से दिल्ली में ईडी की पूछताछ, सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी ने बयान दर्ज किया। पाकिस्तान ने दो भारतीयों को कैद से रिहा किया, 8 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे दोनों, गलती से दोनों ने बॉर्डर पार की थी। कंधार में गवर्नर हाउस के बाहर देखा गया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सूत्रों के मुताबिक तालिबान के पास 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अमेरिका समेत 100 देशों की तालिबान से अपील, का 31 अगस्त के बाद भी विदेशी नागरिकों को बाहर जाने दे अफगानिस्तान। तालिबानियों के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को जमीन पर दौड़ाते नजर आए, गाड़ी से हेलीकॉप्टर को खींचा। अफगानिस्तान के पत्रकारों ने यूएन को लिखी चिट्ठी, अफगानी पत्रकारों ने यूएन से मदद मांगी, का अफगानिस्तान में हमारी जान को खतरा। आईसिस ने रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली, काबुल में हुआ था रॉकेट अटैक, काबुल एयरपोर्ट की तरफ दागे गए थे रॉकेट। तालिबान ने अमेरिका को फिर धमकी, कहा बिना बताए एयर स्ट्राइक ना करे अमेरिका, अमेरिका को 31 अगस्त तक छोड़ना है अफगानिस्तान। पूरे अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान छीन रहे हथियार, शांति और सुरक्षा की दुआई देकर तालिबानी कर रहे टॉर्चर। हजारों की संख्या में ईरान जाते दिखे अफगानी, शरण के लिए ईरान की तरफ बढ़े लोग, तालिबानियों के डर से भाग रहे हैं अफगानी नागरिक। पंजशीर वैली में पेट्रोलिंग के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती, तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया। अमेरिका ने सैन्य अड्डे को बॉम्ब से उड़ाया, काबुल में CIA ईगल बेस को तबाह किया, तबाही की तस्वीरें सामने आई। काबुल हमले के बाद तालिबान में हड़कंप, पूरे काबुल में हर तरफ तबाही ही तबाही, आसमान पर छाया धुएं का गुबार, काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे का दावा, एबे गेट पर तालिबान का कब्जा, तालिबानियों ने एयरपोर्ट से लोगों को हटाया। अंद्राब में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में जोरदार संघर्ष, तालिबान के 100 लड़ाकों के मारे जाने की खबरें। अफगानिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका ने बुलाई कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। अफगानिस्तान मसले पर चीन अमेरिका में बात, चीनी विदेश मंत्री ने कहा तालिबान को शासन चलाने में गाइड करे दुनिया। काबुल एयर स्ट्राइक में मारे गए 7 बच्चे, मारे गए बच्चों में 3 की उम्र महज 2 साल, 5 से कम उम्र के 5 बच्चे मारे गए।
अफगानिस्तान के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अफगानिस्तान के हालात सवाल खड़े कर रहे हैं, मामले पर हमारी पूरी नजर। आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न मिल सके, इस पर सरकार की नजर। सीएम योगी ने किया यूपी के फिरोजाबाद का तूफानी दौरा, जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की भी जमीनी हकीकत जानी। सीएम योगी ने एम्स गोरखपुर को दी मेडिकल सुविधाओं की सौगात, सीआर मशीन, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन चैम्बर का वर्चुअली उद्घाटन। यूपी के रामपुर की जेल में बंद कैदी ले सकेंगे डिग्री, अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां, जल्द शुरू होगा इग्नू स्टडी सेंटर। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि सभा का न्योता देने का यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को, मुलायम सिंह यादव का ऑफर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ज्वाइन कर लो एसपी। आगरा में ताजमहल के गेट पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद का हंगामा, ताजमहल को तेजो महल बताकर अंदर घुस रहे थे कार्यकर्ता। यूपी के गोंडा में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरजेडी में बैकफुट पर आए तेज प्रताप यादव, ट्विटर पर शेयर की तेजस्वी के साथ तस्वीर, रविवार को पटना में समर्थकों के साथ लगाए पोस्टर में नहीं थी तेजस्वी यादव की फोटो। झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ग्रहण किया पदभार, कांग्रेस के विचारों को जमीन पर उतारने की बात कही। झारखंड के धनबाद में दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर गोलीबारी और बमबाजी, मौके से दो बम बरामद। झारखंड के गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर के तार खींचने पर खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। झारखंड के रांची में साइबर अपराधियों के नए खेल का खुलासा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पोर्टल में सेंधमारी, 29 बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 42,900 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 380 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना से एक दिन में 34,000 से ज्यादा लोग रिकवर, बीते 24 घंटे में 7,700 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े।